अरे मिठाई, तेरी दादी मेरे लिए काढ़े वाली चाय बना रही है, तब तक तुम वो गर्मा गर्म आलू भी चले भी देते। चल मुंह भी ठोकरा मेरा, अभी देखती हूँ। ये ले पैसा ले। तो तू मिठाई अब से पैसे लेगी? अरे बेटा सुबह सुबह भौनी का वक्त है, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा का। तो तुम मिठाई ऐसी है ना कि अगर घास से दोस्ती हो गई तो भूखी मर जाएगी पर कभी घास नहीं खाएगी। फिर भी सिद्धार्थ की तरह डायलॉग मारे। पकड़ पैसा बानी कर। हाँ बढ़िया डाले। क्या बात है दद्दू, आज तो खुशी चलक रही है आपके चेहरे पे। अरे क्यों ना चल के गो बाबरी, अब फिर पोता आज मैदान में जो उतर रहा है। मिठाई एक दाना और दे दे मुझे, जैसे पहले कि तेरी दादी आ जाए। हाँ। नहीं नहीं दद्दू, आपके कड़वे करेले पोते ने मिठाई को न जाने वो बेडलग बनोती क्या क्या कहा। अब मिठाई आपको और जलेबी देगी ना तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे जान दे भाई, बाकी बात को दिल पे मत लो कर, सब वो थोड़ा परेशान है। ये स्टूपिड डिस्गस्टिंग इन सब की ना दद्दू मेरे के कानों को आदत हो गई थी, पर पनौती मिठाई के पाव जहाँ पड़े वो बेडलक हो जाता है क्या? ना है बेटा ना है, पनौती ना है, तेरा कदम लक्ष्मी के कदम। बात को समझ बेटा, मिठाई सिद्धार्थ के कंधन पे बिजनेस को बोझ पड़ा है ना, तो उन्हें बौखलाया गया है। बेटा शुक्र है तेरो और गोपाल जी को कि माने मिठाई के बिजनेस में आज पहला कदम रखा है। क्या बात है मिठाई, आज तू परेशान लग रही है। दत्तू जब से आपके पोते ने अपना धनुष और बाण उठा लिया है तब से इस घर के सारे धनुष और बाण शांत हो गए। ये बात ना मिठाई को हजम नहीं हो रही। क्यों बीपी बढ़ा रही है मेरा? अरे सीधा सीधा क्यों ना बतावे, कैसे सन्नाटा फैल गया है, कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है ना? चाची मैंने चाय पीना छोड़ दिया। बेटा सुबह सुबह जब तेने चाय दी ना तो मुझे भी ऐसा लगा, सुबह तीन कप चाय पीवे वाली छोटी बहू बने भी चाय के लिए मना कर दी। बेटा मिठाई आए वाले हर तूफान को रोकना है, तो है। आज तो है सिद्धार्थ के आसपास ही रहना है, तेरे रहते कोई तूफान बाकी पास ना पहुंच पाएगा। अरे आप यहाँ खड़े हैं, ये लीजिए आपकी काढ़े वाली चाय। ठीक है मिठाई, तेरे दादी के हाथ की काढ़े वाली चाय है ना, ये भी मुझे सेहत जैसी मीठी लगे। हाँ दद्दू दादी आज ना मिठाई को आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे खुश है खुश रहे, आज ना हाँ आशीर्वाद देगा दद्दू। ये अरे संभाल के, खुश रहे संभाल के जी, है ना। अरे संभाल के जा। अब आप है ना अपने कुर्ते में से वो जलेबी निकाल दीजिए, चाशनी लग जाएगी। हाँ भी ना चंद्रकांता जी, आपकी नजर से कहीं बच ना सके। छोटे मालिक आप सुबह सुबह। ठीक है खुआ है मालिक। खुआ? हाँ वो क्या होता है? ये दूध से बनता है और बहुत सारी मिठाइयां भी खुआ से ही बनती है, जैसे कि गुलाब जामुन बर्फी पेड़ा वगैरह। चक्के देखी। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिशियन मतलब दूध की चीजों से मुझे उल्टी जैसा फील होता है जी। आप लग रही जी। ये किस चीज की बदबू है? छोटे बाबू बदबू नहीं खुशबू। हाँ। बोलिए खुशबू, ये घी है शुद्ध घी। अच्छा एसएम स्वीट्स में घी बाहर से नहीं आता, अब चेक के देखेंगे। ऑल गुड। और ये क्या है दूध? हाँ। दूध के बिना कुछ बनता ही नहीं है। ये क्या मिला रहे? पिस्ता पाउडर है छोटे बाबू।
मिठाई में मिलाते हैं, चखेंगे? नहीं नहीं ओके। सब सही है? हाँ जी हाँ मालिक सब ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना। काम हो गया मालिक। छोटे बाबू आए थे बीच में टांग अड़ाने, अब उन्हें क्या पता क्या है चीनी क्या है जापानी। आपका दिया हुआ पाउडर पूरे मिठाई में होगा और उसके बाद का नजारा तो पूरा मथुरा देखेगा। एक नहीं सारी दुकानों का बंटाधार करना है किशोर। वो भी हो जाएगा मालिक, क्योंकि हर दुकान की मिठाई तो यहीं से तो बनती है। लोग सड़क पर कितना कचरा फैला रहे हैं, एक डस्टबिन नहीं रख सकती। तो मिठाई आपसे बाद में बात करेगी। मुझे चार प्लेट। अरे हमको जलेबी दो। पहले बताओ डस्टबिन कहाँ है? प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए मिठाई तो आपके लिए पनौती है ही, आप मिठाई के लिए आज पनौती मत बनिए प्लीज। पनौती मतलब वो बेड वाला ना। ओह अच्छा, तुम मेरी ही बात मुझ पे इस्तेमाल कर रही हो। देखिए तत्तु के पोते, आज आपका पहला दिन है बिजनेस में, पर मिठाई तो भूल ही गई कि कब से बिजनेस कर रही है। मिठाई को ये सारी जलेबियां बेचनी है, आज अगर ये बिकेगी तो मिठाई कल की जलेबी का सारा सामान ले पाएगी, इसलिए आप प्लीज जाइए ना। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई, पेट भर के खाओ पर कचरा ना फैलाओ। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई, कचरा डालो कूड़ेदान में, मत बुलाओ घर में कोई बीमारी। मिठाई मिठाई सबको सिखाए सफाई। ये लीजिए हो गया हादसा, अब खुश है आप? थांकू की उम्मीद मत कीजिए, मिठाई हर रोज ये काम करती है। जहाँ भी उन्हें को लगाती है पहले भी साफ करती है और बाद में भी साफ करती है। कोई बीमार पड़ जाए तो महंगी पड़ेगी ना मिठाई को मिठाई की बिक्री। अब हाथ भी साफ हो गया, अब जाके अपनी दुकान संभालिए और मिठाई को अपनी दुकान संभालने दीजिए प्लीज। क्या हुआ भाई साहब?
मालिक 7 लीवर वाले बड़े बड़े ताले मंगा लो, क्योंकि अब होंगी सारी की सारी दुकानें सील। ठीक है, तीली डाल दी है, आग लग चुकी है, आपका काम तो हो गया प्रमोद जी। अब मेरी शर्त पूरी कर देना, 3 की बात हुई है, पलट मत जाना। अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसा कैसे? ये अपनों का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? बस गोपाल जी की कृपा बनी रहे, सब हो जाएगा। जैसे ही घर और व्यापार हमारे ना हुआ, 3 दुकानें आपकी, फिर आप हो जाएंगे मथुरा के नंबर 1 मिठाई कारोबार के ऑनर। दोनों तरफ खेल खेला है, बस गोपाल इतनी कृपा करे इधर की बात उधर पता ना चले। प्रमोद जी, जी आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? गिरीश चौबे पे ध्यान रखना, पलट सकता है। न कभी अपने बाप का हुआ, न कभी अपने बेटे का, न कभी आपका न मेरा। वैसे अचरज की बात है, दूसरे की नाक में नकेल डालने वाले चौबे परिवार को अपने ही बेटे की लगाम कसने के लिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। चलता हूं, किसी ने आते जाते देख लिया तो राधे राधे। अभिषेक, काम हो गया है, अब तुम्हारे भतीजे को एक अच्छा सबक मिल जाएगा। बाबा, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? घर में सेंध लगाने जैसा क्यों लग रहा है मुझे? देखिए जी, घर में सेंध तो सिद्धार्थ ने लगाई है, हमारी बेटी के होने वाले पति के साथ अपनी सगी बहन का ब्याह करा दिया। अब आपने ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, हमें ही तो सोचना है ना अपने बच्चों के बारे में। हाँ, सिद्धार्थ चौबे जी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपकी इन मिठाई की दुकानों से जिन लोगों ने भी मिठाई खरीद कर खाई है, उन सबकी हालत बहुत खराब है, उन सबको अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। सर, आई कैन एक्सप्लेन, एक्चुअली देयर वाज सम इशू। अरे सर, क्या हुआ, क्या हुआ है कि आज आपके दुकान में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है? ये थे सिद्धार्थ चौबे, इस परिवार की 3री पीढ़ी। आज इनके बिजनेस का पहला दिन है और पहले ही दिन उन्होंने अपने मिठाई में जहर मिला दिया है। आखिर पहले ही दिन इन्होंने अपने मिठाई में जहर कैसे मिला दिया है, इन सब बातों का खुलासा जानने के लिए देखते रहिए हमारा लाइव न्यूज चैनल सबसे पहले सबसे तेज। अरे इतना भी लालच करना सही बात नहीं है, मिठाई में जहर मिला दिया है, कीड़े पड़ेंगे इसको, कीड़े पड़ेंगे। हमको तो लगता है इन लोग की कोई साजिश है इसमें। साजिश है, साजिश है। आज एक्सपोज हुए, अच्छा लगा मुझे, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं ये लोग। सर, कब से मामला चल रहा है ये? ये मैंने आज पहली बार देखा, लेकिन इसका खेल बहुत पहले से चालू हो चुका होगा। क्या हुआ जी, किन ख्यालों में डूबे हैं? कहीं मालपुई बनाने की योजना तो नहीं बना रहे? सच बताइए चंद्रकांता जी, आप भी माने हैं कि मिठाई में एक अलग किस्म का तेज है, बाकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मन की एक बात कहूं आपसे चंद्रकांता जी, मैं तो गोपाल जी से प्रार्थना करूं कि आरती की इच्छा पूरी हो जाए। क्या मतलब? गोपाल जी तो लीला धर हैं, कोई ऐसी लीला रच दे कि सिद्धार्थ तो मिठाई दोनों बंधन में बन जाए। हाँ, वैसे तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं दोनों, लेकिन लड़ते लड़ते बड़े से बड़ा काम भी करवा लेते हैं एक दूसरे से, और वो भी बिना जताए। बात दिल की हो ना तो चंद्रकांता जी आप बहुत जल्दी समझ लें, जाए लिए तो हमने अपना दिल हमेशा के लिए आपको सौंप दिया है। हाँ, क्या अब भी ना। लेकिन एक बात कहूं कि
मिठाई और सिद्धार्थ के रिश्ते की बात जो आपकी जुबान पे आई है ना, क्या पता सरस्वती माँ की कृपा बरसे और वो तथास्तु कह दे। गोपाल जी करें कि आपकी बात सच हो और सरस्वती माँ बोल ही दें तथास्तु। दद्दू, दादी। कहाँ भैया मिठाई? दादी। तू इतनी घबराई भाई क्यों है? अरे कछु तो बोल। वो आप आपकी दुकान पे पुलिस आई थी और उन्होंने दद्दू के पोते को उठा के ले गए। बड़े बाजी उसे सिद्धार्थ जी को पुलिस पकड़ के ले गई। सिद्धार्थ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो भी दुकान से। लेकिन क्यों ऐसा काम है? आज तो सिद्धार्थ को पहला दिन हो और पहले दिन ऐसा काम है। बिठाई तू सब साफ साफ बता। बेटा मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा। आप आपके दुकान से मिठाई खरीद के खाने वाले सब उल्टियां करने लग गए। वो क्या कहते वो फूड पॉइजन। भीड़ जमा हो गई, सबको अस्पताल लेके जा रहे और इसीलिए पुलिस आ गई। दद्दू के पोते मालिक है ना तो उनको पकड़ के ले गए। दादो हमारे अखबार में भी यही स्टोरी आई है। दोपहर स्पेशल आने वाला है दादो, उसके कवर पेज पे आपकी फोटो शॉप की और उन लोगों की है। सिद्ध भैया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, ये भी फ्रंट पेज पे ही होगा। पुलिस ने मास पॉइजनिंग का केस कर दिया है, ये देखिए। मिठाइयों में मिला जहर, आज की सबसे सनसनीखेज खबर। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जहर। मथुरा की मिठाइयों के शौकीन जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हरी मोहन स्वीट्स। ये देखिए वहां का नजारा, लोग मिठाइयां खा खा कर उल्टियां कर रहे हैं। ये तो माहौल है इस एक दुकान का, पर एचएम स्वीट्स की हर दुकान के बाहर यही माहौल है। पूरा चौबे परिवार आज नदारद है, केवल एक सदस्य मौकाए वारदात पर मौजूद है और वो है एचएम स्वीट्स के मालिक का पोता सिद्धार्थ चौबे। पुलिस ने सिद्धार्थ चौबे को सामूहिक फूड पॉइजनिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? दादू मैं पानी ले गया। जा पानी ले जल्दी। भौजी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा सिद्धार्थ का। हमारी बरसों की साख है, मैं देखता हूँ कैसे भी करके मैं सिद्धार्थ को छुड़ा लूंगा। गिरीश कछु भी कर बेटा, पर सिद्धार्थ को घर लेके आ। आज पहले ही दिन तुम्हारे अपने खानदानी कारोबार में कदम रखा है और पहले ही दिन सिद्धार्थ ऐसी मिलावट कर ही ना सके। और सिद्धार्थ तो कहा हमारी दुकान को कोई भी हलवाई ऐसी मिलावट कभी ना करेगा। हम दादू कमरे में ले चलते हैं। लगता है बीपी बढ़ गए, चल कमरे में ले चल। कमरे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है किसी भी किस्म का तनाव इनके लिए ठीक नहीं है। इस तरह अचानक बीपी बढ़ता रहा तो कुछ भी हो सकता है। एक के बाद एक नए संकट, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार पर। पुलिस ने सिद्धार्थ चौबे को सामूहिक फूड पॉइजनिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मैं ठीक हूँ, चंद्रकांता जी मेरे पास है और छोटी बहू भी मेरे पास है। तुम सब वकील से मिल लो, कम जरा से सिद्धार्थ को बाहर निकलवाओ, ये बर्दाश्त ना कर पाएगो। और वो नए आए हो तो वो भी चैन नहीं मिले को। बाबू जी आज भी हमारी इतनी साख है, सिद्धार्थ ज्यादा टाइम वहां पर नहीं रहेगा, हम निकाल लाएंगे उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबू जी, सब सही हो जाएगा। चलिए भैया। बाबू जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी आई आपके लिए जल्द से जल्द कुछ बना कर ले आती हूँ। करिश्मा चल मेरा हाथ पटा। अच्छा गोपाल जी ऐसी मुसीबत आ गई मेरे परिवार में।